मैं हिना बेगम, डिप्टी मेयर, कांग्रेस के तमाम MLA MLS सबका शुक्र अदा करते हैं। मोहतरमा कनीस फातिमा, आलम प्रभु पाटिल, डोडो मनी साहब, सबका शुक्र अदा करते हैं। जो भी मेरे एरियस के आवाम हैं उनका भी शुक्र अदा करती हूँ, जो वोट डाल के मेरे को जीते हैं और आज उनकी वजह से मैं डिप्टी मेयर बनी हूँ। मैं डिप्टी मेयर बनने के बाद जो भी एरिया की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करूंगी। आज जो मेयर और डिप्टी मेयर का जो इलेक्शन हुआ, अनोपोज हुआ है, इसके लिए तमाम पार्टी के लीडरांस और कॉरपोरेटर्स और गुलबर्ग की आवाम को जो है ना मुबारकबाद देता हूँ। और ये इस बात का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि एक एक्सपीरियंस मेयर को जो है ना आज इलेक्ट किया गया है और डिप्टी मेयर को इलेक्ट किया गया है। मैं आने वाले वक्त में हिना बेगम जो मेरी वाइफ हैं, जो डिप्टी मेयर बनी हैं, मैं ये तयखुन देता हूँ कि आने वाले वक्त में शहर के हर इशू पर, जिस तरह से अब जो चल रहे हैं, डॉग बाइट्स का हो, चाहे दी पानी का इशू हो, चाहे कुछ भी डेवलपमेंट्स का, रोड का और जिसका भी जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम उसको कंटेस्ट करेंगे, सीरियसली कंटेस्ट करेंगे। गवर्नमेंट की कांग्रेस गवर्नमेंट भी है, MLAs हमारे हैं, MP हमारे हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में डेवलपमेंट होगा। जिस उम्मीद से जो वार्ड नंबर 10 की आवाम हमारे को जो चुनकर भेजी थी, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। जो लोग ये उम्मीद से भेजे हैं कि हमारे वार्ड का डेवलपमेंट होगा, और साथ ही साथ डिप्टी मेयर बनने के बाद अपनी वार्ड के अलावा भी दीगर वार्डों का भी जो है ना इंशाल्लाह जायजा लिया जाएगा और उनका भी खैर डेवलपमेंट होगा।